गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट. यस, सो अभी हमारे यहाँ पे मखाना बन गया है, ये देख सकते हो, और हमारा चाय है. तो अभी हम लोग स्नैक्स करके जाएंगे कहीं पे बाहर डिनर के लिए, क्योंकि आज सैटरडे है. तो सैटरडे को हम लोग वीक में एक बार कहीं बाहर जाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, इंडियन में कुछ नया ट्राई करते हैं. डेफिनेटली, और व्हाई नॉट, मतलब एक टाइम तो चाहिए ना हम लोगों को साथ में. तो होपफुली अगर आज कहीं जाएंगे तो सब कुछ ठीक रहा, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करूँगी, तो वहाँ का भी इंडियन रेस्टोरेंट का भी कुछ लुक दिखाऊँगी आप लोग. तो बने रहना हमारे ब्लॉग में, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बहुत लोगों के साथ शेयर भी करो. तो हम लोग निकल चुके हैं डिनर करने के लिए बाहर. अभी जा रहे हैं ट्रुगनीना. यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं, इंडियन ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं इंडियंस के लिए. लाइक हम इंडियन कुजीन ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, है ना दीपक? और अभी इस वक्त बाहर बहुत ठंड है, ठंडी का टाइम आ चुका है. यहाँ पर हम लोग बस मोटी मोटी जैकेट पहनने के लिए रेडी हो गए हैं. और ठंड अभी और बढ़ेगी जून जुलाई के टाइम पे, फिर ग्रेजुअली ये कम होगा. नवंबर के टाइम पे होता है ना, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ग्रेजुअली ये कम होगा. दीपक को हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है? कौन याद कर रहा है, कमेंट करना. यहाँ का ये है पेट्रोल स्टेशन, और पेट्रोल इधर भी महंगा हुआ पड़ा है. दीपक को ज़्यादा पता होगा, मुझे तो उतना नहीं पता, मेरे को तो चलाना नहीं आता गाड़ी. इंडिया से ज्यादा महंगा है या चीप? इंडिया से महंगा होगा गाइस, $2. अभी जैसे यहाँ हर दिन का प्राइसिंग है. okay. तो कल वाला तो थोड़ा सस्ता था, आज भी सस्ता ही एक्चुअली, 172 का है. तो इंडिया से थोड़ा कम ही है, लेकिन ऐसे नॉर्मली थोड़ा महंगा रहता है. okay. $2 से ऊपर जाता तो महंगा हो जाता है. कॉमेंट करके आप लोग बताओ अभी इंडिया में प्राइस क्या चल रही है पेट्रोल या डीजल की. यहाँ पे है $1.74 पर लीटर, मतलब हमको लगता है सिमिलर ही होता होगा. नहीं, परसेंट वगैरह मिला होगा तो सिमिलर आएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ ही महंगा हो जाता है. यहाँ एवरीडे प्राइसिंग है. तो इंडिया में भी तो वही है, मतलब वहाँ भी कभी कभी न्यूज में सुनना होता है कि 50 पैसे बढ़ गए हैं. हाँ, लेकिन यहाँ एवरीडे प्राइसिंग का मतलब हुआ कि आप आज मान लो 174 का कल 195 हो जाएगा, परसों 210 हो जाएगा. अच्छा. या फिर तुरंत 1.6 हो जाएगा. okay. तो यहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि मतलब बढ़ा तो 4 रुपये 5 रुपये बढ़ा, फिर या फिर 50 पैसे या जो भी बढ़ा. तो ऐसा थोड़ी है कि डेली अलग अलग प्राइस होता है, यहाँ एवरी डे प्राइस चेंज होता है. तो ये मतलब ये तो फिर सिस्टम का डिफरेंस है ना, वहाँ का सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है, यहाँ का सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है. ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए अभी बस 5 मिनट और है. तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रहते तो हैं ही, तो हम भी प्लान कर रहे हैं इसी टाइप के एरिया में अपना नया घर लेने का. हाँ सही है, देखते हैं. हाँ, तो जल्दी से अपना नया घर हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगी उसका. बहुत वेट कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से. गाइस, हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुके हैं. ये इंडियोस कुलचा एंड थाली जंक्शन, ये है ट्रुगनीना में, देख सकते हो आप. तो चलो इसका मेन्यू देखते हैं कैसा है, क्या क्या है हमारे पास खाने के लिए. तो ये सारे वेज नॉन वेज ऑप्शन है, और स्टार्टर्स के ये चाट सेक्शन है, ये है थाली सेक्शन. जनरली हम लोग इसका पनीर कुलचा ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा होता है वैसे. ये वेजिटेरियन सेक्शन, ये नॉन वेजिटेरियन सेक्शन, ये है ब्रेड, और क्या दी पर इसमें राइस, ड्रिंक्स एंड डेजर्ट.
और साइड्स में ये देख सकते हो। तो यहाँ का कुलचा वगैरह बहुत अच्छा है, आप लोग भी जो जो मेलबर्न में रहते हैं वो यहाँ का कुलचा, स्पेशली पनीर कुलचा ट्राई कर सकते हैं, वो वाकई बहुत अच्छा लगता है हमें पनीर कुलचा। ये रहा पनीर कुलचा थाली, एक कुलचा ही यहाँ का बहुत बड़ा होता है, तो मैं तो यही ट्राई करती हूँ। दीपक अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या ट्राई करेंगे, ही इज सो कंफ्यूज्ड। पापड़ी बनना चाट खाओगे, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं, सबको बता भी सकते हैं कि यहाँ पे हमें चाट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई थिंक एक बार खाया था चाट यहाँ पे, है ना? अच्छा फिश खाओगे? फिश हमें सर, फिश तो मैं लेकर आने का, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का ऑर्डर है, हाँ ट्राई कर सकते हैं। एक चिकन टिक्का ऑर्डर ले लेते हैं, एक पापड़ी बल्ला चाट पहले लेते हैं, फिर खा के डिसाइड करेंगे क्या खाएंगे। मैं ठीक देखते क्या होता है कैसा आता है, विल लेट यू नो। रेस्टोरेंट काफी बिजी है तो टाइम लगने वाला है। मतलब इन द सेंस के ऑर्डर्स काफी होंगे, ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह तो। हाँ वैसे यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, इंडियन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन हो, बिजी होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। और कल तो मदर्स डे, तो कल बहुत बिजी होने वाला है। कल तो खैर बहुत बिजी है, हम लोग 400 बुक है। दीपक भी कल बहुत बिजी होने वाला है, एंड कभी दीपक के रेस्टोरेंट में भी दिखाऊंगी। वो 1872 का बना है ना, 100 ईयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है, तो वहाँ भी दिखाऊंगी। बहुत प्यारा लोकेशन है और वहाँ पे कैंडल्स भी आते हैं। तो हमारा चाट आ गया है, इंडिया जैसा तो नहीं होगा लेकिन देखते हैं, दीपक ट्राई करेंगे। कैसा है दीपक चाट? Nice. अच्छा much later. So finally हमारा चिकन टिक्का भी आ गया है, देखने में तो यम लग रहा है। Well, let's see how it goes after waiting 45 minutes. हमें 45 minutes wait करना पड़ा, तो देखते कैसा है। पे इंडियन रेस्टोरेंट है, तंदूर तड़का। हम जहाँ पे खाने गए थे वो था इंडियोस, खाना अच्छा था लेकिन थोड़ा लेट सर्विस था, लेकिन कोई नहीं होता है। और यहाँ पे और भी वैसे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे पास ही में चस्का है, दिखाती हूँ। वो वाला जो आप देख रहे हो साइड में, वो है चस्का रेस्टोरेंट, वो भी बहुत टेस्टी है। सामने सब्जी वाले, और यहाँ पे वैसे और भी इंडियंस और शॉप्स हैं, लाइक फर्नीचर वगैरह है, आगे जाके ड्रेसेस हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। देखो देसी एलिगेंस। ये खाना खा लिया है और खाना बहुत टेस्टी था, जस्ट लाइक इंडिया। तो कैसा लगा दीपक तुम्हें? हाँ अच्छा था खाना, बस सर्विस बहुत स्लो था, बट रेस्ट खाना अच्छा था। हाँ खाना बहुत अच्छा था, टेस्ट अच्छा था। और जो इंडियंस मेलबर्न में रहते हैं, स्पेशली ट्रुगनीना टानेट या फिर इस एरिया में, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि काफ़ी रश भी था यहाँ पे, तो आई थिंक बहुत लोग जानते भी होंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में। बहुत अच्छा था और हमने काफ़ी इंजॉय किया अपना शाम। दीपक गाड़ी पार्क कर रहे हैं पीछे, और बाकी सब कुछ ठीक था। अभी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है धीरे धीरे, और ये बढ़ेगी। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, इन्जॉय।